आज इस लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट नहीं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर एस सी वर्मा बुक से इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का क्वेश्चन नंबर 66 से सॉल्व करें। 66 पिछले क्लास में हम लोग वीडियो में 65 तक सॉल्व कर लिए। लिखा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटांस 8 माइक्रोफेराड। एक कैपेसिटर है जिसको एक बैटरी से जोड़ा गया है 8 माइक्रोफेराड का है। इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। थ्रू ए रेसिस्टेंस 24 सवाल है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर द कनेक्शन। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में करंट का फॉर्मूला I बराबर E बटे R e टू द पावर माइनस टी बाई आर से। तो लिखा हुआ है कि जस्ट आफ्टर द कनेक्शन आर मेड मतलब टी बराबर जीरो तो टी बराबर यहाँ जीरो पुट करेंगे E बराबर हो जाएगा जीरो मैंने वन तो I बराबर E बटे R तो पहला का आंसर आएगा E बटे R तो 6/24 1/4 0.25 एम्पीयर। दूसरा वन टाइम कांस्टेंट आफ्टर द कनेक्शन आर मेड। वन टाइम कांस्टेंट मतलब टी बराबर आर सी आर सी आर सी कटेगा तो 1 e टू द पावर माइनस 1 1 बटा e 0.37 0.37 गुने e बटे आर तो 0.25 गुने 0.37 कितना है देखो तो आंसर आया 0.25 गुने 0.37 कितना 0.09। दूसरा देखो 67 नंबर। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्लेट का सेपरेशन कितना है 0.10 mm। तो इससे क्या है ना कि सी का मान अब हमको निकालना पड़ेगा ए एप्सिलॉन नॉट वाई डी से और ईएमएफ हो गया इस बार 2 वोल्ट और रेसिस्टेंस 16। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर 10 नैनो सेकेंड आफ्टर द कनेक्शन आर मेड। 10 नैनो सेकेंड के बाद इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माने छोटी क्यू क्योंकि फुल चार्ज तो हुआ नहीं होगा 10 नैनो सेकेंड में। तो 10 नैनो सेकेंड में कितना चार्ज होगा ये वो होगा Q into 1 minus e पर पावर माइनस टी वाई आर चार्ज का मान कि t समय के बाद कंडेंसर कितना चार्ज हो जाएगा और y a epsilon नॉट। तो Q बराबर क्या हो जाएगा c भी Q बराबर c भी और c बराबर a epsilon नॉट by b अभी बराबर दो ये हो गया सी और नीचे में वो एप्सिलॉन खाली बचा 1 माइनस सी पर पावर माइनस टी बाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल तो 1 माइनस सी पर पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी का मान कितना आएगा तो निकालना ही पड़ जाएगा फिर तो ए का मान कितना है 40 गुने 10 के पावर माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.12 आई 0.10 मिली ना यस सर माने 1 गुना 10 के पावर माइनस 4 माइनस 4 तो माने 4 खाली हुआ सही कि नहीं यस सर तो -4 -4 कैंसिल तो ये हो गया किसका मान सी का इसमें गुना कौन कर दो आर
दो का कितना आता है? आरसी का मान निकालो, ये कितना आ गया? ये हो गया 88.6 × 4, अब उन्हें 10^-12। हो गया 6×24 = 354 तो हम क्या कर रहे हैं इसको कि 0.354 कर रहे हैं जी। तो हो जाएगा 9। यस सर, सही कि नहीं? यस सर। फायदा हुआ इससे क्या, मान किसका आया? सी का। इतना फैराड आया, इतना फैराड। अब देखो यहाँ आर से गुना कर लो इसमें, तो 16 × कर लो तो 0.354 16 × 5.670 4 जो भी आएगा 10^-9। अब क्या है कि टी का मान है 10 ns, अब आर सी का मान आ गया इतना 9, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आसान लगेगा क्योंकि 1/d² का मतलब 10^-8, क्योंकि d का मान 10^-4 की -8, और ऊपर में हो जाएगा 1 - 1 - e^-, और 10^5.67 करो 1.7635 तो ये कर पाएगा तुम्हारा कैलकुलेटर? हाँ करो। तो -8 तो ऊपर चलेगा तो +8, मैंने ही सॉल्व करो खाली -1.7635 1 - उतना का मान आता है 0.657 अब उन्हें 10^ जी 8 आंसर मिला। वन पॉइंट सेवन आ रहा है 10^4 वोल्ट/m। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर 10 ns आफ्टर द कनेक्शन आर मेड। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख दी हम लोग q/A0 से लिखे q = q × 1 - e^-t/RC। अच्छा एक फॉर्मूला और हो सकता है ना, नहीं बात तो क्या हो गया सही थी। और Q का मान हम लोग कितना रख दिए, सी भी सी का मान रखे ε₀/d, भी का मान रख दिए डी बटा ε₀। अच्छा गलती होना, ये स्क्वायर कर दिए, नहीं 2 में था क्या है तो 1 - ही तो सही है, यहाँ खाली हो जाएगा 2/10^-4 सही ना, तो ये तो सही है, तो ये भी सही है, और ये खाली हो गया 2×10^4 हो गया 2×10^4 1.7 × 10^4 यहाँ गड़बड़ ये स्क्वायर कर देते हैं 2 में। अगला देखते हैं 68। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट एरिया इस बार 20 cm² है, प्लेट सेपरेशन 1 mm, तो ये हो गया 20
मीटर स्क्वायर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, और डी का मान 1 mm का मतलब 10^-3, तो -4, आई 0 मिलके -3, आई भी -3, खत्म। 8.8 × 2 × 10^-12 आ गया हमारा सी। अच्छा, और इसमें इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डाला हुआ, कितना वाला? 5 वाला, 5 के बराबर 5, इसका मतलब केसी, इसका मतलब केसी, तो के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यह कितना गुना होगा? 5, यहाँ गुना कितना कर लेते हैं? 5, 5 दो नहीं 10, 88.6, 10^-12। 6 volt के बैटरी से कनेक्शन किया गया है और 100 किलो मतलब 10^5 टाइम कितना लिखा हुआ है? 8.9 माइक्रो सेकेंड के बाद बताइए कि क्या निकालना, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या निकालना इस बार? एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए हम लोग को? Q² / 2C तो एनर्जी बराबर हो जाएगा Q² / 2C बराबर Q × 1 − e·t/RC का होल स्क्वायर होल बाई 2C सही ना, और Q बराबर C भी और 1 − e·t/RC का बाई 2C, तो हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी का मान 88.6 × 10^-12 भी स्क्वायर का मतलब 36 × 1 − e·t/RC आर का मान 10^5 5 का मान कितना होगा? 7 होगा नहीं, देखो -7 10^-88.6 × 10^-7 हम इसको कर देते हैं, आरसी बराबर आ गया 88.6 × 10^-6 तो 10 से इसमें भागा 10 से गुना तो 8.86 × 10^-6 का स्क्वायर ना, ये तो मोटा मोटी खत्म में हमको लगता है कि इसको भी 8.9 ही समझो तो ठीक है। t·−1 और 1 − 1/e का मान 0.637 ध्यान रखो 0.63 आएगा, 0.63 का होल स्क्वायर करो, 0.63 का होल 0.3969 अब यहाँ गुना करो 0.3969 1/e का मान होता है 0.37 इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 632 कितना ऐसे ही ना, और इसको करना -10 इसको कर देते हैं 6.3297 × 10^-10 सही है ना? यस सर। 69 देखो लिखा हुआ है कि 100 μF का एक कैपेसिटर, इस बार एरिया वरिया कुछ नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट सी का मान दे दिया गया है, कितना है 100 μF ज्वाइंट पे 24 वोल्ट पे थ्रू 1 MΩ 10^6 प्लॉट क्वालिटेटिव ग्राफ्स बिटवीन करंट एंड टाइम फॉर द फर्स्ट 10 मिनट एंड बिटवीन द
चार्ज एंड टाइम फॉर सिंपल करंट एंड टाइम और फिर चार्ज एंड टाइम। वो देखो वो सब 3 मिनट 3 मिनट से कोई मतलब है ही नहीं, सीधे चार्ज होने वाला तरीका क्या है, क्यू इंटू 1 माइनस e पर पावर माइनस डी वाई आर सी, जबकि करंट का फॉर्मूला है ई बटे आर ई पर पावर माइनस डी वाई आर सी। इसका जहां तक ग्राफ है, शुरू में चार्ज क्या होता है जीरो, अब धीरे धीरे चार्ज क्या हो जाता है मैक्सिमम, ऐसे सही कि नहीं, ऐसे वो ग्राफ हो गया चार्ज और टाइम वाला, ई ग्राफ हो गया किसके करंट और टाइम की। Yes, sir. Yes, sir. इसमें करंट का मान क्या है, शुरू में मैक्सिमम yes, और फिर इनफिनिट समय के बाद जीरो, तो 10 मिनट बहुत अच्छा समय होगा। yes, आरसी का मान क्या है, देख लो 100 सेकंड जी, आरसी बराबर 100 सेकंड नहीं बोले आर का मान 6 का मान यहाँ माइक्रो 6 खत्म, बचा कितना 100 सेकंड तो 100 सेकंड हो गया आरसी, तो 10 मिनट कितना हो गया, 10 मिनट का मतलब कैसे 600 सेकंड, 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड मैंने 6 टाइम कांस्टेंट, 6 टाइम कांस्टेंट, तो 6 टाइम कांस्टेंट के बाद समझो कि कितना चार्ज बचा, तो 6 टाइम कांस्टेंट के बाद हो -6 -6 हाँ, मतलब हमको ग्राफ पूरा अनंत तक खींचना नहीं, कहाँ तक खींचना है लिखा कि 10 मिनट के निकाले 10 मिनट 600 सेकंड यहाँ पर देख रहे हैं कि आरसी बराबर आ रहा है 100 सेकंड 600 सेकंड का 6 आरसी आप खाली निकाल लीजिए कि 6 आरसी के समय करंट का मान क्या होगा, वो यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा ई बटे आर नहीं इसमें तो अभी क्यू नहीं आया यार, अगर ग्राफ कहाँ जाएगा ऊपर बाहर रहता है वो, लेकिन ग्राफ होगा ऐसा, ये चार्जिंग ओके पे सीटर लग रहा 69 हो गए 70 में क्या है, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल लैप्स, कितना समय लगेगा, कितना टाइम कांस्टेंट लगेगा बिफोर द करंट इन चार्जिंग आरसी सर्किट ड्रॉप्स टू हाफ द इनिशियल वैल्यू, तो हमें क्या निकालना है चार्जिंग का करंट, चार्जिंग का है ना ये, क्या निकालना है इसका करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बराबर ई बटे आर ई पर पावर माइनस टी वाई आरसी, हमको चाहिए कि करंट का मान क्या हो जाए आधा बराबर ई बटे आर ई पर पावर माइनस टी वाई ई बटा आर सी बटा आर ई आ गया हाफ बराबर ई पर पावर माइनस टी वाई आर सी, तो क्या लिखे हम लॉग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये लॉग हाफ, लॉग हाफ ना बराबर माइनस टी वाई आर नहीं माइनस टी वाई आर अलग हाफ का मान निगेटिव में आएगा सर माइनस 0.3 माइनस 0.3 बराबर माइनस टी वाई आर आंसर बराबर 0.3 ताकि इसी को बोलते हैं ये हुआ कितना टाइम कांस्टेंट जी सर ये हो गया टी वाई आर सी को बोलेंगे कितना टाइम कांस्टेंट मैं सुना कि नहीं ये निकालने से फायदा नहीं ये पूछ रहा है आंसर वो कि कितना टाइम कांस्टेंट के बाद कितना टाइम कांस्टेंट के बाद मतलब टी बाय आर सी एक टाइम कांस्टेंट कितना को बोलते हैं आर सी को तो टी टाइम में कई टाइम कांस्टेंट होगा टी बटे आर सी तो आंसर है 0.3 आया कि नहीं नहीं आया 0.6 नहीं लगता बर माइनस किया है आई बराबर आई में बर माइनस नहीं नहीं निकालना क्या था इसमें लगता चार्ज निकालना कि हाउ मेनी कहीं नंबर था 70 70 हां How many time constant will lapse before the current in a charging RC circuit drops to half of its initial value? अपने initial value का क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। कितना समय के बाद? बाद। सही तो है? कितने समय के बाद अपने initial value का आधा रह जाएगा? कितने time constant बाद? वही 0.3 time constant बाद। बराबर 0.3 आरसी
70 का है क्या आंसर है? 0.69 इन बोथ केसेस, मैंने कि 0.69 टाइम कांस्टेंट के बाद नहीं, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट्स विल लैप्स बिफोर द करंट इन ए चार्जिंग आरसी सर्किट ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना होता है बटे यार हाफ ऑफ इट्स वैल्यू मैंने EYR का आधा तो हाफ बराबर टू दी पावर माइनस टी वाई आर से, इसमें तो वन माइनस थोड़े होता है, चार्ज में होता है वन माइनस निकालना तो करंट, हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट बी लैप्स बिफोर द करंट इन ए चार्जिंग आरसी सर्किट ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर द डिस्चार्जिंग, सेम ही हुआ, डिस्चार्जिंग का भी फॉर्मूला होता है I बराबर ई बटे आर ई पर पावर माइनस टी वाई आर, फिर से देखो लॉग हाफ का मान तुम गलत निकालो, मुझे 0.693 नहीं आता हो, लॉग बेस ई में निकालना, एलएन वाला निकालना, एलएन वाला अरे तुम गलत किया, लॉग बेस 10 रहता है तो बेस ई का आएगा 0.693, ठीक है ना, लॉग बेस E का निकालना, वो निकाल तुम लॉग बेस 10 उसे गुना करना पड़ता है 2.303 से, समझा कि नहीं, ये तुम निकाला ना 0.3 सही है, ये भी सही है 0.30103 आया हुआ तुम्हारा, तुम लॉग बेस E निकाला था कि 10 निकला तो आया था 0.3 उसमें गुना करना पड़ेगा 2.303 तो आएगा 0.69 71 का देखो, हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट बी लेस बिफोर द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर हॉल्स टू 0.1% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन ए डिस्चार्जिंग सर्किट, कौन सर्किट है अभी डिस्चार्ज से बैठी थी टेक नहीं, एक कंडेंसर खाली चार्ज है और उसको रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया और कंडेंसर धीरे धीरे क्या हो रहा है डिस्चार्ज, और जब डिस्चार्जिंग सर्किट होता है तो कितना चार्ज बचता है फॉर्मूला होता है क्यू ई टू दी पावर माइनस टी वाई आर, है कि नहीं, तो कह रहा है कि चार्ज कितना हो गया है 0.1% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, या इतना हो गया 0.1% हो गया अपने मैक्सिमम वैल्यू का बराबर पर पावर माइनस टी वाई आर सी, तो क्यू से क्यू कैंसिल, ये हो गया 10^-3 10^-3 बराबर पर पावर माइनस टी वाई आर सी, बेस ई ले लो लॉग बेस ई तो आ जाएगा लॉग बेस ई और यहाँ माइनस 3 है हाँ 10 बराबर माइनस टी वाई आर सी, तो यहाँ कहने पर लिखा होगा ये सुनो पहले आ जाएगा आगे उतरेगा नहीं, अब बेस इधर लिए सुनो पहले, अब लॉग 10 बेस 10 का मान कितना होता है 1, यहाँ तो है बेस ई तो उन्हें गुना करेंगे 2.303 से, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2.303 तो आंसर बराबर होगा माइनस माइनस कट करके 3×2.303 बराबर टी बाई आर सी, यही तो पूछ रहा कितना है 6.909 सही कि नहीं, ये आंसर है 71 का हो गया 72. How many time constant will last before the energy stored in the capacitor reaches half of its equilibrium value in a charging RC circuit? Charging हो गई? तो कह रहा है कि कितना time constant के बाद अपने maximum value का क्या हो जाएगा? आधा. तो देखो पहले energy कब आधा होगा? ध्यान सुनो पहले. एनर्जी होना चाहिए अपने मैक्सिमम वैल्यू का आधा, तो एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो देखो पहले क्यू बराबर होता है क्यू इंटू वन माइनस ई पर पावर माइनस टी वाई
आरसी, हमको क्या चाहिए एनर्जी, क्या कोई दिक्कत होगी? तो एनर्जी बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और ई क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ई क्यू स्क्वायर बाई टू सी का आधा है कि नहीं? ई क्यू स्क्वायर बाई टू सी अपने मैक्सिमम क्यू स्क्वायर बाई टू सी का आधा है, कुछ ऐसा कब होगा, ऐसा कितने टाइम कॉन्स्टेंट के बाद होगा कि एनर्जी का वैल्यू अपने मैक्सिमम एनर्जी का आधा हो, टू सी से टू सी मतलब कि q बराबर q बाई रूट टू, q इक्वल टू q बाई रूट टू, अब q का मान रखो q इंटू वन माइनस ऊपर पावर माइनस टी बाई आर सी बराबर q गुना एक बटा रूट टू, ये q से q कैंसिल, तो वन माइनस ऊपर पावर माइनस टी बाई आर सी बराबर एक बटा रूट दो, तो ऊपर पावर माइनस टी बाई आर सी बराबर वन माइनस वन बाई रूट टू, रूट टू में घटेगा वन तो कितना आएगा, रूट टू माइनस वन एक दशमलव चार एक चार, मैंने दशमलव जीरो पॉइंट टू नाइन पूरा मिलाके चार एक चार बटा रूट दो, जीरो पॉइंट टू नाइन ये आया, हाँ पूरा ये ना मान, हाँ हाँ जीरो पॉइंट टू नाइन टू एट टू नाइन टू एट टू एट, मतलब फिर से मैं जीरो पॉइंट थ्री एट, हाँ जीरो पॉइंट थ्री एट जो भी रखो, क्या करो दोनों तरफ लॉग, तो टी बाई आर सी का मान कितना आ जाएगा, टी बाई आर सी का मान आ जाएगा लॉग जीरो पॉइंट टू नाइन टू एट बेस ई, टी बाई आर सी बराबर जाएगा लॉग बेस ई यहाँ पर जीरो पॉइंट टू नाइन टू एट, कितना है माइनस वन पॉइंट टू, माइनस वन पॉइंट टू टू का माइनस माइनस कैंसिल आया, कितना आया वन पॉइंट टू थ्री, वन पॉइंट टू थ्री इसका माना है वन पॉइंट टू, यस सर हो गया सेवेंटी टू का आंसर। 73 में लिखा हुआ कि हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट बी लेस बिफोर द पावर डिलीवर बाय द बैटरी ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, माने पावर डिलीवर बाय बैटरी कितना होता है, पावर डिलीवर बाय बैटरी बराबर भी आई, पावर डिलीवर बाय बैटरी बराबर क्या हो, तो भी आई का मान जो है ना भी आई के मान का आधा हो जाता है ना, वी आई का मान वी आई के मान का आधा है, समझ गए, करंट आधा है, करंट क्या हो गया है आधा, करंट बराबर क्या होता है आई बराबर आई ऊपर पावर माइनस टी बाई आर सी, बराबर आई बाई आई आई ऊपर पावर माइनस टी बाई आर सी बराबर एक बटा दो, एक बटा दो मैंने जीरो पॉइंट फाइव बराबर जीरो पॉइंट, तो या दो पर पावर माइनस वन, दो पावर माइनस वन तो माइनस टी बाई आर सी लॉग ई बेस ई का मान वन बराबर माइनस वन और लॉग दो बेस ई माइनस माइनस लॉग दो का मान जीरो पॉइंट सिक्स नाइन, जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री आंसर आ गया जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री, ये सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर A capacitor capacitance C is connected to a battery of EMF E at t बराबर 0 through a resistance R. Find the maximum rate at which energy is stored in the capacitor. ये लिखा लेना. Find the maximum rate at which energy is stored in the capacitor. Capacitor में कितना energy store होता है? Half CV square. या इन्हें ठीक है हमको, हाँ क्या बोला रेट ऑफ एनर्जी बराबर पावर, हाँ तो कैपेसिटर का निकालना है ना, फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का फुल फॉर्म क्यू स्क्वायर बाई टू सी का रेट ना जी बराबर यस सर, तो वन बाई टू सी बाहर आएगा यस सर, बाकी बचा क्यू स्क्वायर का टू क्यू और डी क्यू बाई डी टी बराबर आई, तो यू फाइंड द मैक्सिमम रेट एट व्हिच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, मैक्सिमम रेट
at which energy is stored. In the cap, see the when does the rate has its maximum value. अच्छा देखो भाई दूसरे दो कट गया आ गया वन वाई सी और क्यू बराबर हो गया सी भी क्यू बराबर सी भी इनटू वन माइनस ई पर पावर माइनस टी वाई आर सी और वाई बराबर ई बटे आर ई पर पावर माइनस टी वाई आर सी सी से सी बराबर ई बटे आर a पर पावर माइनस टी वाई माइनस ई पर पावर माइनस टू टी वाई आर कैसे किस आंसर दिया ये स्क्वायर में करना है फोर आर ये क्या दिया है ये स्क्वायर बाय फोर आर ये स्क्वायर बाय फोर आर क्या एवरेज निकालना था ये मैं तो फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर इन द कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का रेट क्या आंसर आया है ये स्क्वायर बाय स्क्वायर बट अप फॉर फॉर व्हेन डज द रेट हैज मैक्सिमम वैल्यू जो आंसर दिया है हां एक आरसी अच्छा आरसी लॉग 2 यह है फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर इन द कैपेसिटर ये तो हुआ कि रेट है ना अब सवाल है कब मैक्सिमम होगा कभी मैक्सिमम होगा ये तो सीधा रेट निकला ना हाँ सर इसका मान मैक्सिमम रेट निकालना है ना कहाँ ये स्क्वायर ये डिफरेंशिएशन क्या हुआ है ना तीसरा नहीं नहीं नीचे ये कॉमन ही है हाँ ये स्क्वायर अच्छा ये स्क्वायर वाई आ रही आ गया हमें निकालना है किसका मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड ये तो सिर्फ रेट निकला ये मैक्सिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन बराबर जीरो जीरो करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन ये इसका वैल्यू तो रह ही जाएगा हां ई पर पावर माइनस टी वाई आर सी के पावर माइनस टी वाई और माइनस टी वाई आर सी का माइनस वन वाई आर सी मैं यस सर माइनस ई पर पावर माइनस टू टी वाई आर सी और फिर माइनस टू वाई आर सी बराबर जीरो तो ये वाला पूरा जीरो जीरो और माइनस वन बाई आर सी भी जीरो माइनस वन बाई आर सी यहाँ से कॉमन हाँ सर हाँ तो माइनस वन बाई आर सी यहाँ से कॉमन और माइनस वन बाई आर सी यहाँ से कॉमन माइनस का माइनस माइनस कॉमन ही होगा कितना आ गया जीरो ना तो कितना हो गया ई पर पावर माइनस टी वाई आर सी या माइनस बराबर कर टू ई पर पावर माइनस टी वाई आर सी नहीं बराबर दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो ई पर पावर माइनस टी वाई आर सी दो बटा ई पावर टी बराबर टू ई पर पावर माइनस टू टी वाई आर सी बराबर कब होगा ई पर पावर माइनस एक्स बराबर टू ई पर पावर माइनस टू एक्स ऐसे न हो जाए इसको बराबर करना दोनों तरफ लॉग लेते हैं जी लेते हैं लॉग फिर हो जाएगा लॉग बेस ई ई पर पावर माइनस टी वाई आर सी बराबर लॉग बेस ई टू गुना ई पर पावर माइनस टू टी वाई आर सी तो लॉग एम गुना एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एम गुना एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन ये उतरेगा कितना माइनस टी वाई आर सी बराबर लॉग दू माइनस टू टी वाई आर सी तो माइनस टू टी वाई आर सी इधर आएगा तो टी वाई आर सी बराबर लॉग दो बेस मैंने टी वाई आर सी का मान कितना देंगे हम लोग लॉग दो बेस का मान 0.693 मान देके देखते हैं कितना आता तो ई स्क्वायर वाई चार आई पर पावर कितना 0.69
थ्री अ माइनस ई पर पावर माइनस दो गुना 0.69 थ्री देखो कितना आता है सौ गड़बड़ करो तो ओहो ई टू दी पास है थोड़ा सा ध्यान देखो दिखा लॉग दू बेस ई का मान कितना हुआ टी वाई आर सी तो ई पर पावर टी वाई आर सी बराबर दू सही कि नहीं इसका मान कितना हो गया दो ई पर पावर वन बाई टू टी वाई आर सी बराबर दू तो वन बाई टू दो वन बाई टू होगा ये वन बाई फोर मेन हम लोग क्या करिए इसका डिफरेंस सीएसएन बराबर जी क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा जी सर ये हुआ रेट ऑफ स्टोर इन एनर्जी इन कैपेसिटर ये हुआ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ये आंसर है मैं लेकिन इसे कौन वैल्यू पूछ रहा था मैक्सिमम हम कि इसका डिफरेंस बराबर जीरो तो ये वाला यहां पर आया इससे पहले दो तीन लाइन किए थे ना मैंने इसका डिफरेंस बराबर जीरो करेंगे यहां तक आ गया यहां से सॉल्व किया इसका मान आया टू यहां पर टू रखा सही नहीं अब सवाल देखो क्या पूछ रहा है कि क्या नंबर ली चौहत्तर व्हेन डज द रेट हैज मैक्सिमम वैल्यू कब मैक्सिमम वैल्यू आया टाइम का तो टाइम का मैक्सिमम वैल्यू कब आया लॉग दू बेस सी गुना आर सी लॉग दू बेस गुना आर सी आंसर आर सी लॉग दू आर सी लॉग A capacitor of capacitance 12 microfarad is connected to a battery of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm through a resistanceless led. मतलब ये वाला आ रहा है 12 microsecond after the connection are made, what will be the current in the circuit? करंट इन द सर्किट बराबर ई बटा आर ई पर पावर माइनस टी कितना है 12 माइक्रो सेकेंड अबाई आर सी का मतलब फिर से 12 माइक्रो सही है तो एक बटा ई 0.37 देख कितना है लोग 2.22 आया जी एम्पियर दूसरा द पावर डिलीवर्ड बाई बैटरी है ना पावर डिलीवर बाई बैटरी बराबर क्या होगा भी आई भी का मान छ आई का मान आया हुआ है 2.22 13.32 आया 13.32 सी में द पावर डिसिपेटेड इन हीट पावर डिसिपेटेड इन हीट आई स्क्वायर आर टी पावर आई स्क्वायर आर कितना हुआ 2.22 का स्क्वायर अगुने एक कितना देखा था 4.928 फोर सिंसर यस अप्रोक्सीमेट कितना 4.87 कितना आया 4.92
2.21 का स्क्वायर और 0.28 आया जी सर पाया ये कितना ना वाट से ना जी सर पावर अभी क्या है द रेट एट विच एनर्जी स्टोरिंग कैपे डिक्रीज इंक्रीजिंग वही निकालना था अभी बोला रेट एट विच द एनर्जी स्टोर इन द कैपे सीटर कितना है सभी आंसर ई एस फायर बाई आर आया था नहीं आर आया था और यहाँ आया था सुपर पावर माइनस टी वाई माइनस सुपर पावर माइनस थ्री वाई आर यह रेट ऑफ एनर्जी स्टोरिंग कैपे सीटर अब इसका मान कितना पुट करना है हमको टी वाई आर सी का कितना सेकंड के बाद कह रहा था 12 माइक्रो सेकेंड अब आर सी का मान भी था 12 माइक्रो कट गया था 1 आया था क्योंकि 1/e - 1/e² हुआ ये हो गया ई स्क्वायर बाई आर इंटू 1/e - 1/e² इसका मान आता है 0.86 इसका पूरा का यस सर 0.86 और गुणा करके देखो तो खाली मान पुट कर दिए छिहत्तर होगा अपने कैपेसिटेंस सी चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस भी इज डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स प्लेस टू रेसिस्टेंस आर फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन वन टाइम कांस्टेंट आफ्टर द कनेक्शन आर मेड लिख ले आई स्क्वायर आर डीटी का इंटी ग्रेशन कीजिए ठीक है फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन वन टाइम कांस्टेंट लेकिन करंट का मान तो बदलते ना रहेगा yes, इसलिए हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से आई एस पर आर टी डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि करंट का फॉर्मूला डिस्चार्जिंग सर्किट में क्या है चेंज होता है आई बराबर ई बटे आर ई पर पावर माइनस टी वाई आर सी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपे हीटर में चार्जिंग में दोनों में ही चलता करंट है तो हमको हीट निकालना जिसका एंटी ग्रेशन करेंगे जीरो से कहाँ तक वन टाइम कॉन्स्टेंट तक वन टाइम कॉन्स्टेंट तक Do this by calculating acidity and also by finding the decrease in the energy stored in the cafe sitter. अच्छा पहले हीट नहीं हो जाएगा दोनों तरफ से निकाल सकते हैं कह रहा है तो पहले हीट निकाल रहे हैं लोग कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना हीट मतलब उत्पन्न हुआ तो आई का फॉर्मूला वहाँ से लगाएं ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर ऊपर पावर माइनस टू टी वाई आर सी गुने आर डी टी का इंटी जीरो से लेकर के आर सी तक आर से आर कैंसिल ई का मान दे है अच्छा नहीं ऐसा ही चल रहा है सब कुछ ई का मान भी दे है डी स्क्वायर बाई आर आई पर पावर माइनस टू टी बाई आर सी का माइनस टू टी बाई बटा माइनस टू बाई आर जीरो से लेकर के आर सी तक तो माइनस टू बाई आर सी बाहर आर से आर तो माइनस वी स्क्वायर सी बाई टू जी सर टू बाई सी सी बाई टू बदल और ई पर पावर माइनस टू आर सी देंगे तो माइनस टू आई पर पावर यहाँ कितना जीरो मतलब वन तो ये हो गया प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस तो हाफ सी वी स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाई कितना था
हाफ सी वी स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाई वी स्क्वायर, सही है ना? आ गया तो सही कि नहीं? हाँ सर। करा ने इसको दो तरह से निकाल लिया, ये तो लिखा डू दिस बाय कैलकुलेटिंग, इससे आल्सो बाय फाइंडिंग द डिक्रीज इन द एनर्जी स्टोर इन कैपे, मतलब आप ये निकाल लो कि टी सेकेंड के बाद अब कितना एनर्जी कंडेंसर में बचा है, हाँ। एक टाइम कांस्टेंट के बाद शुरू एनर्जी में जो बचा हुआ एनर्जी है घटाओ, तभी वो निकलेगा, वही जो लॉस हुआ, जो लॉस हुआ कहाँ गया? हीट में। तो शुरू में कंडेंसर में कितना एनर्जी होता है? क्यू स्क्वायर बाई टू सी, जबकि एक टाइम कॉन्स्टेंट के बाद होगा ई वाला क्यू स्क्वायर बाई टू, जहाँ क्यू का मान होगा क्यू इंटू वन माइनस ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? ये स्टार्टिंग का फुल एनर्जी आई है एनर्जी एक टाइम कॉन्स्टेंट के, बाकी जो बचा लॉस हुआ जी सर, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्यू स्क्वायर बाई टू सी बचेगा वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस माइनस और वन प्लस वन प्लस वन प्लस माइनस वन माइनस वन माइनस फिर वन माइनस ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर, ऐसे ना? हाँ सर। अब क्यू स्क्वायर बाई टू सी का मतलब हाफ सी वी स्क्वायर जी सर, यस सर, इंटू वन माइनस वन प्लस माइनस ना माइनस टू टी वाई आर सी प्लस टू सी पर पावर माइनस टी वाई आर सी, सही कि नहीं? यस सर सही। वही लग गया, यही वन से वन गया हाफ सी वी स्क्वायर, तो वन से वन गया, तो हाफ सी वी स्क्वायर इनटू कितना है पर पावर, कहीं गड़बड़ तो नहीं करेगी? अच्छा टी का मान सीधे रखो एक टाइम कांस्टेंट जी सर, तब बन आएगा टी का मान एक टाइम कांस्टेंट, तो यह माइनस ई पर पावर कितना माइनस टू प्लस टू ई पर पावर माइनस वन है ना, तो हाफ सी वी स्क्वायर इनटू टू बटा ई माइनस वन बटा ई स्क्वायर, लघुत्तम ई स्क्वायर, कहीं गड़बड़ हो गई थी, एनर्जी कितना क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एक टाइम कांस्टेंट के बाद एनर्जी बचेगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, जहाँ क्यू बराबर होगा कैपिटल क्यू इंटू वन माइनस ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर, ठीक, क्यू स्क्वायर कॉमन टू सी कॉमन, यहाँ बचेगा वन माइनस इसका होल स्क्वायर, तो हमको लगता है यहीं पर कर देना चाहिए था, यहाँ पर करेंगे अगर हम आर सी पुट कर देंगे यहीं पर तो हो जाएगा पावर माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर सी वी हाफ सी स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस माइनस टू ए दीजिएगा प्लस टू ए टू बाई ई माइनस वन बाई Also by finding the decrease in the energy stored in the capacitor. शुरू में एनर्जी हो गया हम लोग का क्यू स्क्वायर बाई टू सी और एक टाइम कॉन्स्टेंट के बाद इतना एनर्जी बचा होगा, तो फॉर्मूला है बचा हुआ चार्ज का क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इतना था इतना बचा हुआ है, इतना लॉस हुआ
गुनाह में गलती करने वाला पता नहीं चल रहा। डिस्चार्जिंग में है यस, गलती फॉर्मूला लगा। अच्छा हां, यस यस, q e टू द पावर माइनस t बाय r c t 1 माइनस 9 होगा, नहीं होगा ये होगा 1 माइनस दैट इज हो। हां तो मैंने देख रहे हैं फॉर्मूला गलती लगा, आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय q, सही है? यस सर। फॉर्मूला लगाए थे चार्जिंग वाला। जी सर, डिस्चार्ज हो रहा है ना। yes, चार्जिंग सेवेंटी सिक्स हो गया, सेवेंटी सेवन देखो।